ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہن رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہم پر سایہ فگن ہے یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عطیہ ہے ایک تحفہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تحفے کے ضمن میں ہمارے لیے بہت ساری خیر و بھلائی بھی رکھی ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ رمضان المبارک کا اتنا مقدس مہینہ ہم سب کو ملا ہے لیکن ہم رمضان المبارک میں ہونے والی عبادتوں کو اچھے ڈھنگ سے انجام نہیں دے پا رہے اس کی وجہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے وبائی مرض کرونا وائرس ہمارے درمیان ہے اور پچھلے سال سے بہت زیادہ اس سال کرونا وائرس کے مریض اور بیمار پائے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال ایک آدمی سے تین شخص کو لگتا تھا لیکن اس سال ایک آدمی نو آدمی کو بیمار کر سکتا ہے اتنا خطرناک وائرس ہے اتنی خطرناک وبا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے
हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेगी, और उन एहतियाती तदाबीर को अपना करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी किस्मत में मौत लिखी है तो आकर के रहे। कुरान करीम का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मौत जिसको आनी है उसको उसके वक्त पर आती है, एक लम्हा भी मौत का इधर उधर नहीं होता है। तो जहाँ तक मौत का मसला है, मौत तो अपने वक्त पर आनी है, लेकिन कोरोना वायरस वबाई मर्ज से हम सबको बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सबको इस तरह के वबाई अमराज से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस आप अपने सामने रखें जो बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तैरता वला हामता वला सफर, कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, कोई बदशगुनी नहीं, उल्लू की बोल की कोई हैसियत नहीं। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़िर अल मजज़ूम कमा तुफिर मिन अल असद। बुखारी की रिवायत है कि मजज़ूम से ऐसे ही भागो, कोड़ी से ऐसे ही भागो जैसे शेर को देख करके आदमी भागता है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़माने जाहिलियत के अकीदे की तरदीद की है। वो क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी किसी बीमारी में इतना दम ही नहीं कि बज़ाते खुद किसी और को लग जाए। लेकिन ये अकीदा रखना चाहिए कि बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से लगती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो बीमारी लग जाए, इसलिए जो बीमारी मुतअद्दी होती है उनसे एहतियात करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे शेर को देख करके भागते हो, वैसे ही कोड़ी मजज़ूम शख्स से भागो, क्योंकि उसका भी वायरस ऐसा था कि उसके वायरस से आदमी की जिल्द झड़ने लगती थी। एक आदमी को कोड़ का जुजाम का मर्ज है, जुजाम के मर्ज में आदमी की ये हालत हो जाती है कि उसका जिस्म से गोश्त झड़ जाता है, और अगर उसका वायरस किसी और को लग गया तो अगले आदमी की भी हालत यही होती है। और बिल्कुल यही कैफियत आज के इस वबाई मर्ज कोरोना में है कि एक आदमी की सांस से, एक आदमी के छींकने से अगर दूसरे आदमी को असर होता है तो फिर वो कोरोना का मर्ज पाया जाता है, कोरोना का मरीज हो जाता है, और फिर उसके लिए परेशानी खड़ी होती है। लिहाजा हम कोरोना वायरस से बचने की जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपने एक और हदीस अपने सामने रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बनू सकीफ से वफ़द आया, बनू सकीफ से कुछ लोग आए, उसमें एक शख्स कोड़ी था, जुजाम का के मर्ज में मुब्तला था, वो भी उस वफ़द में आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों से बैत की, लेकिन उससे कहा कि जाओ, मैंने तुमसे बैत कर लिए, लेकिन तुम लौट जाओ, जहां हो वहीं से लौट जाओ, मेरे पास मत आना। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कोड़ी मर्ज, उस कोड़ी बीमार आदमी को अपने करीब नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए कि उसका वायरस लग सकता था, और उसके वायरस से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से बैत करते तो मुसाफा करके करते, हाथ मिला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करते थे, लेकिन वो शख्स जिसे कोड़ की बीमारी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको
जहां मौजूद था वहीं इसे लौटने का हुक्म दे दिया और कहा, जाओ मैंने तुमसे बैत कर ली, मेरी तुम्हारी बैत ऐसे ही हो गई इसलिए कि तुम बीमारी में मुबतला हो। एक तीसरी हदीस आप अपने सामने रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यूरिदुल मुमर्रिद, बीमार आदमी, बीमारी में मुबतला शख्स किसी सही आदमी के पास न जाए, क्योंकि अगर उसकी बीमारी मुतअद्दी है, एक दूसरे को लगने वाली है, तो फिर जिसके पास जाएगा उसको भी ये बीमारी लग सकती है। तो ये एहतियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। एक और हदीस आप अपने सामने रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जिस शहर के अंदर, जिस इलाके में बीमारी फैली हुई हो, उस इलाके के लोग वहीं रहें, वहां से निकल करके किसी और इलाके में ना जाएं, और जहां बीमारी फैली हुई हो वहां कोई ऐसा शख्स ना जाए जहां बीमारी ना फैले। यानी बीमारी में, बीमारी फैला हुआ इलाका जो है, वहां का शख्स कोई ऐसी जगह ना जाए जहां बीमारी ना फैली हो, और जहां बीमारी ना फैली हो वहां का शख्स कोई बीमार इलाके में ना जाए। क्यों ना जाए? इसलिए कि एक दूसरे से बीमारी मुंतकिल होकर के पूरे इलाके में, पूरे गिर्द नवाह में फैल सकती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वादे है। तो हम और आपको इस कोरोना के दौर में क्या करना चाहिए? हम और आपको इस कोरोना के दौर में हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर या गाइडलाइंस दी जा रही हैं उस पर अमल पहले करना है, मास्क लगाना है, एक दूसरे से दूरी बना करके रखनी है, सैनिटाइजर आपके पास हो तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, या अपने हाथों को वक्तन फवक्तन घंटे एक घंटे दो घंटे में धुलते रहें ताकि आपकी हाथ की सफाई होती रहे, और आप अपना हाथ कहीं टच करें तो आपका टच किया हुआ हाथ जिसमें मर्ज हो तो कहीं लग ना जाए। तो इन एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, और नमाज में अगर आप मास्क लगा के आएँ तो यही सबसे बेहतर है, क्योंकि नमाज में मस्जिद में लोग एक दूसरे से करीब खड़े होते हैं। किसको ये वायरस है कोई नहीं जानता, हमें है कि आपको है कोई नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो हम कोशिश करें, अगर हमें है तो हमारी वजह से किसी और को ना लग जाए, और किसी और को है तो भी एहतियात करके आए ताकि उसको भी, उसकी बीमारी की वजह से किसी सही आदमी को बीमारी ना लग जाए। इसी तरीके से बूढ़े, ज़ईफ, कमज़ोर शख्स, ऐसे लोग अपने आप को घर में ही मुकीम रखें, बाहर इधर उधर ना घूमें, और मस्जिद में भी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि बूढ़ों को कमज़ोरों को या बीमारी में मुबतला, जैसे शुगर का मर्ज़, हार्ट का मर्ज़, इस तरीके से जो बीमारी में मुबतला लाइलाज मर्द है, इस मरीज़ को भी ये कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ लगती है। इसलिए अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर मस्जिद की इंतज़ामिया इन सब तदाबीर को लेकर के सख्ती करती है तो आप मस्जिद की इंतज़ामिया को ना कोसें। ये अपने लिए नहीं कर रही है, ये आपके लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है, और बीमारी से बचने और बचाने का इंतज़ाम कर रही है। कोई आदमी मस्जिद की इंतज़ामिया को बोलता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करती है, हमारे लिए, आपके लिए, मस्जिद में आने वाले उन तमाम हजरात के लिए ये सब इंतज़ाम कर रही है ताकि एक दूसरे से ये बीमारी मुंतकिल ना हो और इलाके में वबा फैल ना जाए जिसकी वजह से अमवात का एक सिलसिला शुरू हो जाए। आजकल हम लोग और आप देखते हैं आम दिनों के से ज़्यादा रोज़ाना कितना आप मय्यित का ऐलान सुनते हैं, 10-20 मय्यित एक एक इलाके में हो रही है, एक एक लोग 10-20 मय्यित की मिट्टी दे रहे हैं। तो ये सब इस कोरोना वबा की वजह से ही हो रहा है। तो हम और आप अपने आप को बचाएं, और इस कोरोना के इस दौर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, दुआ का महीना हमारे ऊपर साया फगन है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, हिलाल आलमीन, जो कोरोना वायरस की वबा हमारे दरमियान फैली हुई है, अय अल्लाह इस वबा को, इस वबा से हम सबको निजात दे।
इस वबा से हम सबको निजात दे दे और इस वबा से हम सबको छुटकारा अता फरमा। और दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दर्कि शिकाई व शमातिल आदा। ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, जो बुरी बीमारी हमारे दरमियान फैली हुई है, इस बीमारी से तू हम सबको निजात दे दे, हम सबको पना दे। दुआ करें, अल्लाहुम्मा आफान आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तू मेरी समाअत में, ऐ अल्लाह तू मेरी बसारत में आफियत अता फरमा, मेरे जिस्म में आफियत अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है माबूद सिवाय तेरे। ऐ अल्लाह, तू हमें जिस्म के एतबार से, कान के एतबार से, समाट और बसारत के एतबार से, हर तरीके से अल्लाह तू हमें महफूज रख दे। ये रमज़ान का महीना, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को माफ़ फरमाता है और सबकी दुआएं सुनता है। कुरान करीम का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहां रमज़ानुल मुबारक के अहकाम का तस्करा किया है, उसी के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दान फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नबी, अगर लोग आपसे दरियाफ्त करें, पूछें, सवाल करें कि मेरा रब कहाँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐ नबी बता दो, फ़इन्नी करीब, वो तो बहुत करीब है, वो तो बहुत ही नज़दीक है। उजीबु दावतद दाई इदा दान, जब पुकारने वाला दुआ करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। उजीबु दावतद दाई इदा दान फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि बंदे की पुकार को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस अपने सामने रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब बंदा अपने हाथ को उठा करके दुआ करता है, फ़कीराना जिंदगी का इजहार करता है, अपने आप को फ़कीर साबित करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है कि इस फ़कीर बंदे को, इस हाथ को उठाने वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला खाली हाथ लौटा दे, अल्लाह तबारक व तआला बगैर दिए हुए लौटा दे। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है। अल्लाह के सामने अपनी हाजत को पेश करके देखो, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत को पेश करके देखो, अल्लाह के सामने अपने हालात को पेश करके देखो, बशर्ते के हमें दुआ करने का ढंग होना चाहिए, बशर्ते के हम दुआ के शराइत को पूरा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता, बंदे की दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन कबूल करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल करता है। नंबर एक, हमने जो चीज़ मांगी है, हमने जो चीज़ तलब अल्लाह रब्बुल आलमीन से की है, या तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तलब को पूरा कर देता है। हमने अल्लाह से माल मांगा, हमने अल्लाह से औलाद मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुआ को कबूल करके हमें माला माल कर दिया, हमें माल और दौलत से माला माल कर दिया या औलाद अता फरमा दी। ये अल्लाह तबारक व तआला के दुआ के कबूल करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, मांगी हुई चीज़ नहीं मिल रही है, तो याद रखो, उस दुआ से हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल रहा है, आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को, वबा को टाल रहा है। और अगर मांगी हुई चीज़ भी नहीं मिल रही और बराबर मुसीबत का सिलसिला जारी भी है, तो एक तीसरा तरीका है कि इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आखरत में हम सबको खुश करेगा।
आखिरत में इस दुआ का इतना अजर अल्लाह तबारक व ताला देगा कि उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो याद रखो मुसलमानों, हमने रमज़ान का महीना पाया, दुआओं का महीना पाया, हम दुआ का एहतमाम करें, दुआ से लापरवाही न करें, क्योंकि पता नहीं इस रमज़ान के बाद अगला रमज़ान हमें मिलने वाला है कि नहीं। इस रमज़ान की इबादतें हम कर लें, पता नहीं इस रमज़ान का मौसम बहार हमें मिला है, अगला रमज़ान का मौसम बहार मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाइयों, हम रमज़ान में दुआ का अहतमाम करें। और याद रखें, रमज़ानुल मुबारक कुरान का महीना है, रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत का अहतमाम करें, कसरत से कुरान की तिलावत करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी पाक मुकद्दस आखिरी किताब कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया, और कुरान मुकद्दस हिदायत को और हक और बातिल को वाज़ह करने वाली किताब है। इस कुरान को आप, हम सब मिलकर के रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कुरान को समझने की कोशिश करें। और याद रखें, कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना, ये भी हमारे लिए बीमारियों से शिफा का ज़रिया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शिफाउल सुदूर, ये कुरान दिलों की शिफा का ज़रिया है। इस कुरान की तिलावत से दिल शिफा पाते हैं। जब दिल शिफा पाता है, दिल बीमारी से बचता है, दिल बीमारी से महफूज रहता है, तो फिर याद रखें, कुरान करीम की उस तिलावत की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज हमारा यकीन है कि हमारा पूरा जिस्म महफूज रहेगा। ये कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने कुरान को शिफा कहा है। इसी तरीके से हम सब सूरह फातिहा जो हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, इस सूरह फातिहा का भी कसरत से तिलावत करते रहें और इस सूरह फातिहा को दम करके अपने आप पढ़ करके दम अपने आप पर करें, क्योंकि इस सूरह फातिहा को भी शिफा कहा गया है। ये शिफा कहा गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम कहीं जा रहे थे और जाते जाते एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, इत्तेफाक से वहाँ के बादशाह को बिच्छू ने डंक मार दिया, कोई शिफा की उम्मीद नहीं थी। सहाबा इकराम के पास ये बातें आईं, सहाबा इकराम में से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम इसका इलाज कर सकते हैं लेकिन उसकी उजरत लेंगे। वो बादशाह राज़ी हो गया। वहाँ जा कर के उन लोगों ने सूरह फातिहा पढ़ करके उस जगह जहाँ बिच्छू ने डंक मारा था दम कर दिया, और फौरन वो बीमारी सही हो गई और डंक लगा हुआ शिफा पा गया। तो हम सिर्फ फातिहा पढ़ करके अपने ऊपर दम करने का भी एहतमाम करें। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिस महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदकात और खैरात भी किया करते थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इतना खर्च करते थे कि तेज़ हवा से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात करते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों का ख्याल करते थे। इस रमज़ानुल मुबारक में हम भी अपनी औसत के एतबार से सदका और खैरात करें, क्योंकि सदका और खैरात के जरिए से भी बीमारियां टलती हैं, मसाइब दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की एक और हदीस अपने सामने रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदकतुस सिर्र तुतफी गज़ब अर्रब। जब आदमी सदका करता है, छुपा करके सदका करता है, तो सदका करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का गजब दूर होता है। अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब, ये दूर होता है। जब अल्लाह का गज़ब दूर होता है, अल्लाह का गज़ब जब छट जाता है, तो याद रखो जब अल्लाह का गज़ब छटके छटेगा तो अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतों की बारिश होगी, बरकतें नाजिल होंगी। और जब बरकत नाजिल होगी तो इंसान खुशहाल होगा, इंसान खुशहाल होगा, मसाइब परेशानियाँ और वबाएँ अल्लाह की रहमत से सब ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक कई एतबार से हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए
फ़ायदेमंद है इस रमज़ान में हम सब अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने का अहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने का अहतमाम करें और दुआ करें, रात और दिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। और रमज़ानुल मुबारक जहाँ पूरा दिन दुआओं का महीना है, पूरा दिन दुआओं के अहतमाम का महीना है, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास वक्त रखा है जिसमें अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। तो जहां हम दिन भर दुआ करें वहीं अफ्तार के वक्त अफ्तारी के लवाजमात में मशगूल ना हो जाएं, बल्कि अफ्तारी की लवाजमात से हट करके उसको छोड़ करके दुआओं में मशगूल हो जाएं, दुआ करें। अफ्तारी के वक्त की जाने वाली दुआ रब्बुल इज्जत वल जलाल कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशी के मकाम हैं, रोज़ेदार के लिए दो खुशी के मकाम हैं, नंबर एक अफ्तारी के वक्त, नंबर एक अफ्तारी के वक्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है, नंबर दो आखिरत में जब अल्लाह तबारक व ताला रोज़े का अज्र देगा तो उसके शान गुमान से ज़्यादा अज्र देगा, उस अज्र को देख करके बंदा खुश हो जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है अस्सौमली वाना अजजी बिही, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका अज्र देने वाला हूँ। और अल्लाह तबारक व ताला जब अज्र देगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक अज्र देगा, अल्लाह की शान आली है, अल्लाह की शान अजमत वाली है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी आली शान के एतबार से रोज़े का अज्र भी देगा। तो मेरे भाइयों हम रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला से करीब होने का अहतमाम करें, क़ुर्बत इख्तियार करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से की इबादत से लापरवाही बेरगबती ना करें। अगर मसाजिद में हुकूमत की सख्ती की वजह से तरावी का एहतमाम नहीं हो पाता है तो फिर ये बात ये न सोचें कि हमारे ऊपर से तरावी साकित हो गई। आप घर के अंदर तरावी का एहतमाम करें, आपके घर में चार पांच अफराद हैं, आप चार पांच अफराद को लेकर के तरावी का एहतमाम कर लें, जितनी सूरतें याद है बार बार उसी को पढ़ें, नहीं याद है कुरान के नुस्खे हाथ में लेकर के तरावी का एहतमाम करें। कुरान का नुस्खा नहीं है, मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप हैं कुरान के, उस कुरान मोबाइल में कुरान को अपलोड करके उसको देख करके तरावी में उस तिलावत का अहतमाम करें। और अगर आपके यहाँ सिर्फ आप हैं और आपकी अहलिया हैं तो आप और आपकी अहलिया मिलकर के तरावी की जमात का अहतमाम कर सकती हैं। शर्त यह है कि मर्द आगे होगा, अगर एक है तो मर्द एक आगे होगा, एक औरत है तो मर्द के पीछे होगी, कभी मर्द के साथ शाना बशाना होकर के औरत नहीं खड़ी होगी। तो मेरे भाइयों इन सब का एहतमाम करें और कोरोना वायरस से एहतियात करें। हर आदमी मस्जिद में आए तो मास्क लगा करके आए, अपना हाथ धुल करके आए और कोशिश करें कि मस्जिद के पानी से वजू ना करें, क्योंकि मस्जिद की टोटी एक आदमी छुएगा फिर दूसरा आदमी छुएगा, किसके हाथ में क्या लगा हुआ है, हो सकता है कि किसी के हाथ में लगा हुआ उसके हाथ से टोटी छू गई, फिर उसके बाद कोई महफूज आदमी आया जो बीमारी से महफूज है आकर के उसने टोटी छू ली फिर उसको लग गया। इस तरीके से बहुत तेज़ ये फैलने वाली वबा है, तो हम खुद अपने आप को बचाएं, इसलिए बचाना भी ज़रूरी है कि हमारे लिए आखिरत का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमने कोई आखिरत का इंतज़ाम नहीं किया है। अपने आप को इन कोरोना वायरस से बचा करके आखिरत की तैयारी में लगा दें, हो सकता है कि इस कोरोना वायरस में हमारी मौत हो जाए तो कम से कम आखिरत के लिए हमने कुछ तैयार किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बख्शे जाने का कुछ इम्कान है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इलाल आलमीन तू हम सबको इस कोरोना वायरस मोहलिक वबा से निजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह रमज़ान के मुकद्दस महीने में ऐ अल्लाह तू हम सबको उसकी इबादतों से और उसकी बरकात से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन रमज़ान मुबारक बख्शिश का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको बख्श दे, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह रमज़ानुल मुबारक से हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, जब खात्मा हो कलमा तौहीद ज़बान पर हो। अकुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.